आदित्यपुर थाना अंतर्गत टोल ब्रिज के पास मवेशियों से लदा एक ट्रक हिंदू संगठन के द्वारा और पुलिस प्रशासन के मदद से पकड़ा गया है। वही एसपी के निर्देश पर ट्रक को जब्त कर लिया गया है और इसी के साथ आगे की कार्रवाई की जा रही है। आदित्यपुर थाना अंतर्गत टोल ब्रिज के पास मवेशियों से लदा एक ट्रक हिंदू संगठन के द्वारा और पुलिस प्रशासन के मदद से पकड़ा गया। विदित हो कि ट्रक रामगढ़ के रजवरप्पा थाना से ये ट्रक निकला था और चाकुलिया गौशाला की ओर जा रहा था। ऐसा ट्रक में उपस्थित पुलिस अधिकारी ने कहा, लेकिन पुलिस द्वारा कोई भी कागज नहीं दिखाया गया। मौके पर एसपी साहब भी पहुंचे और मवेशियों को कलियादी स्थित गौशाला पहुंचने और ट्रक को आदित्यपुर थाना को जब्त करने का निर्देश दिया। ये पहली ऐसी घटना नहीं, लगातार हो रही है और पुलिस प्रशासन इन पर मौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। नाम क्या था आपका? हमारा नाम उदय प्रसाद यादव। यहाँ पे आप लोगों को कैसे पता चला कि यहाँ पे गाड़ी पकड़ाया है? गाड़ी में थाना में केस हुआ है, जानवर लेके हम लोग जमा करने गौशाला जा रहे हैं। अरे रुकिए ना भाई, ड्राइवर जो है इसका, ड्राइवर इसका, ड्राइवर इसका, आपका नंबर प्लेट कहाँ है? आपका नाम चारों तरफ लगा हुआ है। हम लोग को सुबह से भी खबर था, एक गाड़ी पहले भी पकड़ा गया, वहाँ से छुड़ाया गया, वहाँ से आगे बढ़ा तो वैसे का आगे बढ़ रहा। तो अल्टीमेट हम लोग जब संगठन की तरफ से हम लोग को आदेश मिला है, हम लोग बोला नहीं, आदित्यपुर ब्रिज हम लोग पार होने नहीं देंगे और इसका वो उचित कार्रवाई करेंगे। एक गाड़ी में कम से कम 30 गाय था और पीछे से 8-2 गाड़ी आ रहा, कम से कम उसमें 8-20 गाय है। सोचे 50 गाय यहाँ से पार हो रहा है, ये डेली पार होता है और हो सकता है हम लोग का आँख के नज़र के सामने भी और पार हो गया, मगर ये जितना देर हम लोग का तरीका से हम लोग कोशिश करेंगे इसको रोकने का। और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हर टाइम इसके लिए यहाँ तैयार रहेगा और इसके लिए हम लोग जहाँ तक जाना जो करना है हम लोग करेंगे। एक गाड़ी को भेजा जा रहा था चकुलिया, हम लोग मना कर दिया, हम लोग बोला ना सर को रिक्वेस्ट करके हम लोग बोल दिया कि गौशाला में घाघड़ी गौशाला में ये आ रहा था राजा रप्पा से आ रहा था। हम लोग यहाँ पकड़ा ब्रिज का, यहाँ प्रशासन का पूरा सहयोग। देखिए आदित्यपुर का प्रशासन का हम लोग बहुत ये करेंगे, डेली ये लोग हम लोग को जा पाता है, हेल्प करता है, ये लोग अपना से भी करता है, ऐसा नहीं है प्रशासन यहाँ का लोकल प्रशासन हम लोग का हेल्प नहीं करता, आज भी बहुत साथ दिया गया है। तो हाँ बोलिए, इसमें बहुत बड़ा एक गिरोह है जो 3-3 गाड़ी, मतलब सोच लीजिए तो 150-200 का है, इतना बड़ा मतलब बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसको हम लोग किसी भी तरह से इसका भंडाफोड़ करेंगे और इस पर रोक लगाएंगे। बहुत बड़ा तो पैमाना का तस्करी हो रहा है। आप देख लीजिए कि एक गाड़ी में 50 से 60 गाड़ी, 50 से 60 गाय, किस तरह से इतना बेदर्दी से उनको रखा गया है, इसको हम लोग रोक लगाएंगे और इसके लिए कल हम लोग उपयुक्त महोदय से भी मिलेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम लोग किस संस्था से? हम लोग विश्व हिंदू परिषद से। प्लस ऐसे मानवता के नाते भी देखिए, गाय तो हिंदू के लिए माता के समान है, माता के समान है, और हम लोग ऐसे भी एक हिंदू होने के नाते इसको बहुत बड़ा रोक लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग जितना हो सके रोकें। प्रशासन का पूरा सहयोग है, जो बोलिएगा। हाँ ठीक है, मेरा नाम दीपल विश्वास। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN न्यूज।